एक, एक, ने एक वीडियो भेजी है जो आ, मुफ्ती तारिक मसूद की है जिसमें वो कुछ बयान कर रहे हैं ताकि छोटी बने सुने क्या कह हो सकता है शरीफ मुल्क में ऐसे काम कर लें जो इमरान खान नहीं कर सका इसलिए आप उसको सपोर्ट कर रहे हो और आपका मुखालिफ की छोटी गलतियां भी आपको बड़ी नजर आती है एतदाल पैदा करोदाल है इमरान खान के हर अच्छे काम की जिस तरह से ताबी की जा रही है ना ये के दिन गले पड़ सकती है, 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 है। मुफ्ती है ना मैं कहता हूँ जो नई हुकूमत बनी है वो गलत है हो सकता है शबाजश मुल्क में ऐसे काम कर रहे जो इमरान खान नहीं कर सका जिम्मेदारी है इमरान खान के हर अच्छे काम की जिस तरह से ताबील की जा रही है ना अच्छा यहाँ पे इसकी बातों से साफ पता लग रहा है इमरान खान का फैन है और हिमायती है क्योंकि हो कह कह रहे कह रहे कि कि हैं हो सकता है शहबाज शरीफ ऐसे काम कर रहे हैं जो वो ना कर सका और फिर ये नहीं कह रहे कि नवाज शरीफ के कामों की तहवील बल्कि सिर्फ और सिर्फ इमरान के कामों की तहवील और मैंने कभी वोट नहीं दिया वोट तो हम में से बहुत सारे किया लेकिन झुकाव किसी एक तरफ होता है और मुफ्ती साहब का झुकाव इमरान की तरफ है ये पड़ सकती है

ये बात तकरीबन सारे पीटीआई वाले कहते हैं ये काम कभी पहले हुआ ही नहीं है हालांकि अगर आप देखें <coughs> मिसाल शलवार कमीज में अः किसी वजी अजम कहता है बेतहाशा वजी अजम शलवार कमीज में गए लेकिन उन्होंने हाईलाइट नहीं किया अब होता तो है क्या असलियत यह कि मुफ्ती साहब का कसूर नहीं है इतना प्रोपगेंडा हो रहा है इतना प्रोपगेंडा हो रहा है अभी अभी एक और <coughs> पोस्टिंग लगी हुई थी कि मोर चोर को मार दिया गया वो तस्वीर देख के मुझे पता लग रहा था झूठ है तो उसके बाद एरोय ने भी न्यूज़ ट्राई किए उसकी ऑडियो आई है सॉरी वीडियो आई है जिसमें वो तारीफ़ बता रहा है और बोल रहा है मैं ठीक-ठाक हूँ तो ये कभी हुआ ही नहीं है ये जो इनका जुमला है ना ये टिपिकल टिपिकल आ, फैन क्लब के मेंबर हैं कल्ट में, मेंबर आप कह सकते हैं मुत्त साहब आप सियासत को क्यों मैं सियासत को नहीं लेकर आ रहा मैं सियासत को ही ला रहा है और एक साइड ले रहा है

ये इसका मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के बिहाफ पे पाकिस्तान ने ये सबमिट की थी और ये उसी ड्यूरेशन में हुई थी माफ कीजिए ये उसी ड्यूरेशन में हुई थी जब ये वजीर अजम थे लेकिन आपको ये भी बताना इस स्टेज पे जरूरी है कि एल जी बी टी जैसे इंतहाई गंदे कानून को छुपे छुपे थे छुप छुपा के इन्होंने दो हजार अठारह में पास किया था किसी को हवा भी नहीं लगने थी एक और चीज़ भी बता दूं कि पखतनखा में आ, इन्होंने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट पे स्कूलों पे जो झंडे लगाए थे वो एल के थे लेकिन क्योंकि मुफ्ती साहब फैन क्लब के मेंबर हैं तो इसका जिक्र नहीं करेंगे कि वो जो जुर्म है वो तो वो तो ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज के बिहाफ पर नहीं था वो तो खैबर पफ की हुकूमत ने खुद किया था और इस पे मेरी एक उसी वक्त की एक वीडियो मौजूद है जो आप मेरे आ, यानी फील्ड में जाके चेक कर सकते हैं तो एक चीज हाईलाइट करना दूसरे को छोड़ना एल जी का कानून है जिससे अल्लाह के आजाब नाजिल होते हैं ऐसा बेहयाई का कानून है कि लड़का नॉर्मल मर्द अपने आप को औरत लिखवा सकता है औरत अपने आप को मर्द लिखवा सकती है आप समझ सकते हैं इससे क्या क्या नुकसान आ सकते हैं यूरोप में अमरीका में जो <coughs> मसले मसाइल बने हुए इसकी वजह से वो आपको यकीन नहीं आएगा कि वो कितनी बड़ी और डेंजरस चीज है जाना अपने कौमी लिबास को फोर्दू को फोक देने के लिए भी बहुत किए कॉलेज में यूनिवर्सिटियों में कुरान की लाजिम करार दिया है, है।, है मुफ्ती साहब से उनका तल्ल है डॉक्टर के हवे के लिए अकदिल यूनिवर्सिटी को यहाँ इस्लाम होना चाहिए अच्छा यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड है अब उसके अंदर ये तालीम क्या देते हैं ये यू समझने की आप किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करके उस पर बहुत बड़ी मस्जिद बना दें वो मस्जिद तो ऐसी मस्जिद तो सही नहीं है कि आप कब्जा लेके बनाए वो कब्जा करना बहुत बड़ी और ये अब कैसे बयान कर रहे हैं अब जाहिर है बहुत सारे सुनने वाले वो भी फैन क्लब के होते हैं मैं तो फैन क्लब का मेंबर नहीं हूं मैं तो हर एक बात को एनालाइज करूंगा लेकिन मुफ्ती साहब पीटीआई फैन क्लब के मेंबर हैं इनकी बातों से साफ जाहिर हो रहा है 160 मिलियन पाउंड का जुर्म करके इसने अब्दुल अलकादरी यूनिवर्सिटी बनाई और अब उसमें क्या किया जा रहा है वो एक अनइम्पॉर्टेंट uh, बात है क्योंकि कब्जा ही गलत है तो वो इम्पॉर्टेंट तब होता कि ये अपनी मेहनत से अपनी एफर्ट से एक बनाता यूनिवर्सिटी uh, उसमें फिर ये सारी चीजें करता है जो मुफ्ती साहब बता रहे लेकिन मुफ्ती साहब क्योंकि इन्फ्लुएंस में वोट भी नहीं दिया इन्होंने इन्फ्लुएंस में वोट ना देने से कुछ नहीं साबित होता और बार बार शहबाज शरीफ जैसे बंदे जिसको सारी दुनिया जानती है जिसको हर है कि यार ये करता है उसका हो सकता है, कि वो हो सकता है, कि वो है किसी तंजीम के नहीं है ना टी आई और ना वो किसी और तंजीम के और... गलत बोल रहे हैं अगर आपकी मुलाकात हुई किसी शख्स से तो उसका ये नहीं क्वालिफाई होता की आप जो एनलिसिस

पैगम्बर गुजरे हैं जलील कदर, सारे के सारे जितने भी पैगम्बर हैं वो मेहमान को देख के खुश होते थे और ये उस नेगेटिव चीज को ऐसा रंग दे रहे हैं कि जैसे बड़े कमाल की बात है वो अपने घर में आप सारा दिन उसके घर में बैठ रहे हैं मुझे पता है कि केस का सारा दिन उसके घर में बैठे रहे हैं वो आपको चाय का नहीं पूछेगा इमरान खान के दौर में एक

हो सकता है लेकिन इमरान ने जो तबाही फैलाई है उसकी तरफ इनकी तवज्जो नहीं है पखतनख्वा का जो बेड़ा गर्क किया है उसकी तरफ बात नहीं कर रहे ये साबित हुआ है यह रिकॉर्ड मौजूद है ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिस तक इनकी एक्सेस ना हो लेकिन अफसोस फैंस को यह चीज नजर नहीं आई जिन्हें मुमकिन है ये मेरा टॉपिक नहीं है मेरा इतना जरूर बनता है कि मुखालत करो कि नाकाम आजम उसमें ये थी, ये जिसकी से नाकाम हो गए ठीक है लेकिन जो अच्छे का किए हैं उनमें खाम हमें बैठ के घुमा घुमा के उसमें इतनी तावीले, इतनी तावीले, इतनी अरे भाई पूरे पुख्तनखा में दस साल करने के बावजूद भी कोई सरकारी हस्पताल नहीं बनाया अपने भाई अपने कजन को जो किसी में रहता नौशरवान बल्कि उसको पुख्तनखा का जो हेल्थ डिपार्टमेंट का उसका चीफ बनाया हुआ था और उसके अलावा जो जो वो करते रहे बहुत लंबी दास्तान है लेकिन क्या करें मुफ्ती साहब इन्फ्लुएंस में आप देख लें कि किसी ने उसको कुछ नहीं कहा था इंटरव्यूर ने पूछा उसमें उसने कहा था एब्सोल्युटली नॉट और अभी मिनते तरले कर रहे अमरीका की मिनते तरले कर रहे हैं वहां पे उसने जो क्या नाम है अपने फेवर में बंदे हायर किए और वो जाके वहां पे इसके लिए लॉबिंग कर रहे हैं कितना 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 झूठ बोलोगे आप हर चीज को घुमा हर चीज को घुमा और सारे काम यहूदियों के खिलाफ कर रहे हैं थप्पा लगा दिया उसके ऊपर यहूदी एजेंट होने का यह गलत है तो और और भी बहुत कुछ है तो मौका मिला तो मैं वो पॉइंट रिकॉर्ड करवाऊंगा बीस पॉइंट जो है मुझे मौका मिला तो लेकिन वही होता है कि लोग फिर हमें समझते हैं कि मैं रिकॉर्ड करवाएगा तो साफ जाहिर है कि उनके हक में है कि बीस पॉइंट रिकॉर्ड करवाएगा

आ, और कई डिपार्टमेंट्स हैं जिनको तनख्वाह देने के पैसे नहीं है और ये फरमा रहे हैं कि ये फैन क्लब के मेंबर हैं भाई ये मुफ्ती होने पे इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा लेकिन पॉलिटिक्स में जब हाथ डालते हैं और ये उसको बहुत बड़ा बुजुर्ग साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वो है नहीं आ, उसके ऐसे ऐसे जुर्म हैं सबसे बड़ा जुर्म यह है कि जिस सीट के लिए वो काबिल नहीं था उस पर क्यों लड़ा उस पर क्यों आया क्यों मुल्को तबाह किया उसने पे टॉपिक नहीं है मेरा पे जो टॉपिक है वो इतना जरूर है कि एक हद तक काबिल करो इतना आगे ना बढ़ो और जो काम उसने अगर कोई के सपोर्ट में किया है तो आप आज जिसकी हिमायत कर रहे हो उन्होंने इससे ज्यादा सपोर्ट में काम किए होंगे वो सारे काम आप ही जाते हो